हार्ले की ले लो, हायाबुसा की ले लो, केटीएम की ले लो, कावासाकी की ले लो, इवन की मस्टैंग की ले लो, गाड़ियों में सभी गाड़ियों में सुपर बाइक सुपर कार छोटी से लेके बड़ी तक किसी की। तो आज हम आए हैं पटियाले की सबसे पुरानी दुकान पर, सबसे पुरानी शॉप पर। किस चीज़ की है शॉप? उस चीज़ की शॉप है जिसके बिना गाड़ियाँ अधूरी हैं, बाइक्स अधूरी हैं। तो आइए आपको दिखाता हूँ मैं किस चीज़ की ये शॉप आया के। तो किस नाम से है ये शॉप? रुको जरा, सबर करो। रमेश बैटरीज के नाम से है ये शॉप। तो आपको मैं मिलवाता हूँ यहाँ के ओनर से, अपने तरुण भाई से, जिनको हम प्यार से तनु भी कहते हैं। तो क्या है तनु भाई? ठीक हो? बढ़िया, बहुत। तो यहाँ पे मैं क्या करने आया हूँ, यहाँ पे मैं लेने आया हूँ अपने RX 135 की बैटरी। तो जिनसे मैं लेने आया हूँ, ये फुवारा चौक की सबसे फेमस बैटरीज की शॉप है। बाकी आपको तनु भाई बताएंगे। तो बताइए तनु भाई, क्या लोकेशन है? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है रोहन जी, मेरे छोटे भाई हो आप। आपकी सारी वीडियो, सभी ब्लॉग्स में आपके देखते रहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप अच्छे तरीके से मोटरसाइकिल्स की जो जानकारी देते हो, वीडियो बनाते हो, बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे जो भाई हैं सब देखते हैं। अरे आप मेरे को एक तो RX 135 की बैटरी दीजिए, आप अपनी शॉप की लोकेशन बता दीजिए। मेरी शॉप रमेश बैटरीज के नाम पे है, पटियाला में फेमस फुवारा चौक पे। रमेश जो है मेरे फादर साहब का नाम था, श्री रमेश कुमार जी, तो उन्हीं के नाम से ये पटियाला में हम फेमस है, रमेश बैटरीज और रमेश इलेक्ट्रिक वर्क्स के नाम से। ठीक है। हमारे पास जो है दो ही ब्रांड होते हैं। ओके। हम दोनों ब्रांड के ऑथराइज डीलर हैं। ओके। सबसे पहले ऑथराइज डीलर थे हम एमरॉन के, अब भी हैं, अब एक्साइड के भी हैं। जानकारी बैटरीज की, अगर आपको बैटरीज चाहिए तो आपको बहुत ही बढ़िया रीजनेबल प्राइस में देंगे, और मेरे चैनल का, आपके भाई के चैनल का नाम लेके आओगे तो और रीजनेबल प्राइस में आपको देंगे। शाबाश बेटा, ठीक है ना यार भाई? तो ऑथराइज्ड है, यहाँ पे आपको सुपर बाइक की बैटरी मिल जाएंगी। हार्ले की ले लो, हायाबुसा की ले लो, KTM की ले लो, कावासाकी की ले लो, इवन की मस्टैंग की ले लो, गाड़ियों में सभी गाड़ियों में सुपर बाइक सुपर कार छोटी से लेके बड़ी तक किसी की भी बैटरी ले लो, आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगी, है ना तनु भाई? जी। तो अब अपनी बैटरी लेते हैं और फटाफट से यहाँ से हम निकलते हैं। साइड की एक्सप्लोर बैटरी है। ओके। सबसे बढ़िया और सबसे पावरफुल बैटरी है। ओके, ठीक है जी। ऐसे है, एमरॉन में भी कई मॉडल्स आते हैं, कई मॉडल शॉर्ट हो जाते हैं। ठीक है जी। लेकिन अवेलेबिलिटी हर बाइक की हमारे पास रहती ही रहती है, मतलब मिल जाएगी आपको। अगर ऑन टाइम आपको नहीं मिली तो आपको आधे घंटे में दिलवा के देंगे। अगर पूरे पटियाले में आपको कहीं से नहीं मिल रही, वो चीज़ आपको यहाँ से मिलेगी। आप देखिए हमारे पास बाइक का सेंक्शन बना हुआ है, ये हमारा सभी बाइक्स की बैटरियाँ हमने यहाँ पे डिस्प्ले कर रखी हैं। इसमें एमरॉन है, एक्साइड है, हमारे पास अदर और कोई भी ब्रांड नहीं होता, क्योंकि हम दो ही ब्रांड्स में डील करते हैं। एक्साइड की मेरे पास फुल रेंज है, एमरॉन की भी फुल रेंज है, आप देख सकते हैं मेरी वॉल पे। ठीक है, मतलब सारी बैटरी अवेलेबल है किसी भी बाइक की, किसी भी गाड़ी की। अगर आपको बैटरी चाहिए जरूर, तो आपको फुवारा चौक रमेश बैटरीज का नाम दे दीजिए, बोल दीजिए, और आपको लोकेशन खुद ही पता लग जाएगी। लीजिए रोहन भाई, आपके बाइक के लिए RX 135 की, चलो बैटरी आ गई। एक्साइड आपके बाइक के लिए सबसे सही रहेगी, मतलब ड्राई बैटरी आने लगी है। ठीक है, लेकिन मैं आपके बाइक के लिए सिर्फ आज एक्साइड ही दूंगा। ओके, ठीक है। क्योंकि आप जब भी आते हो मेरे से पूछते हो कि एक्साइड की बैटरी है, तो आज आपके लिए स्पेशल एक्साइड की एक्सप्लोर बैटरी आपको दूंगा। अपनी बैटरी लेते हैं और फटाफट से यहाँ से हम निकलते हैं, ताकि उधर अपने संजूपा जी भी वेट कर रहे हैं। ठीक है यार तनु भाई, मिलते हैं आपसे अगली बार। ठीक है, ये आपकी बैटरी, बहुत बहुत धन्यवाद के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपके ब्लॉग और भी लोगों से सब्सक्राइब कर रहे हैं, कह दो एक बार कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो। सभी मेरे पटियाला में जितने मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, सभी मेरे जो रिश्तेदार भी हैं, सभी मेरे भाई रोहन के वीडियो को, रोहन के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक जरूर करते रहिए, शेयर भी कर देना। ठीक है ना, तो ये रहे संजूपा जी। संजूपा जी, अब ये बताइए कि ये बैटरी में क्या दिक्कत थी और ये चेंज क्यों करनी पड़ती है अपने को? कुछ नहीं, अगर तो गाड़ी कम चल रही है आपकी, ओके, तो उसकी वजह से भी आपकी बैटरी जल्दी ख़राब हो जाती है। ओके। प्लस अगर इसका RR यूनिट रेगुलेटर रेक्टिफायर अगर ख़राब हो तो उसकी वजह से भी दिक्कत आ जाती है। ओके, तो ये इसमें क्या है कि अगर ये ओवर चार्जिंग कर रहा है उसकी वजह से भी दिक्कत आ जाती है। अभी हम इसमें डाल रहे हैं एक्साइड। पैसा बर्बाद पहन चोर। इसके अंदर दो मॉडल आते हैं। ठीक है, एक बाइकर, ठीक है, एक्सपोलर। तो इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है वैसे?
और थोड़ा क्वालिटी का कंपनी की तरफ से है। तो ये उसकी 1.5 साल की गारंटी है, इसकी 2 ईयर्स ही है, 2 साल की। तो ये मतलब ना चलने की वजह से वो, वैसे तो बैटरी नहीं पड़ी है बिल्कुल संजीव जी। और गाड़ी कम चले तभी हो जाती है ना, कम से कम गाड़ी रूटीन के अंदर 10 से 15 किलोमीटर चले तो गाड़ी की बैटरी चार्ज रहती है। ओके, प्लस अभी तो मेंटेनेंस फ्री बैटरी आ रही है ये। ओके, पहले क्या होता था, पहले लिक्विड वाली बैटरी आती थी उसके अंदर पानी डलता था, तो वो हर महीने में मतलब 2 बार उसको रिफिल करना पड़ता था। ठीक है, अभी ये इसके अंदर ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है ठीक है ठीक है, कंपनी की तरफ से ड्राई बैटरी आ गई है। ठीक है, फिर दिक्कत नहीं आती इस चीज़ में, तो ये मेंटेनेंस फ्री बैटरी बोल सकते हैं। ये बैटरी शील्ड होती है, फ्रंट की शील्ड है, उस पर यहाँ पे कैप लगे होते थे 6। हाँ, तो उसमें पानी डलता था। ठीक है, मतलब कुछ लोग एसी का पानी डाल देते थे, कुछ लोग उसका बारिश का पानी डाल देते थे। Okay. अभी वो काम ही खत्म हो गया, उसके उन्होंने ये ड्राई बैटरी दे दी, इसमें आपको जरूरत नहीं पड़ती। ये बढ़िया था गुरु। हाँ, जेड़ा ऊपर बंदा खड़ा ना, तिड़पिड़ बहुत करता है, बहुत तिड़पिड़ करते हो तुम भैया, मेरे मित्रों भैया जो ठहरा। इसमें करनी पड़ती है, अगर नहीं करेंगे ना तो वीडियो वायरल नहीं होती भाई। क्या नहीं होती? क्या नहीं होती? वीडियो वायरल नहीं होती। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। सामान लगा हुआ है, ये पूरा सेटअप अपना हो गया, फ्यूज नहीं है, तो अब इसमें फ्यूज डालना पड़ेगा, लाना पड़ेगा, डालना पड़ेगा। तो अभी फ्यूज बना रहे हैं, थोड़ा चेंजेस करके वो बना रहे हैं। इसका जो जेन्युइन फ्यूज है वो मिला नहीं हमें। फ्यूज यूज क्यों होता है संजू भाई? वैसे फ्यूज यूजिंग इसका रीजन ही है, रीजन कह लो या इसकी जरूरत है ये। Okay. अगर आप इसको नहीं लगाओगे तो क्या होता, कभी वायरिंग का ही अंदर से शॉर्ट होगी, कुछ हो गया। ओके, तो शॉर्टेज की वजह से इसकी वायरिंग भी सड़ सकती है, बैटरी खराब हो सकती है, तो उसका उसकी वजह से ये लगाना पड़ता है। कुछ मैकेनिक निकाल देते हैं, भाई बहुत निकाला करो इसे, ये ज़रूरी चीज़ है, इससे बैटरी सेफ रहती है प्लस वायरिंग सेफ रहती है। ठीक है, गाड़ी को आग भी लग सकती है अगर वायरिंग कहीं शॉर्ट हो। इसका हॉर्न भी खराब है भाई, तो इसमें 2 डालने पड़ेंगे। इसका इंडिकेटर का भी फ्लैशर खराब है इसका। ये खराब है, ये भी खराब पड़े हैं, तो फिर ये नए आप डालोगे या वहीं से मीटर वाले डलवाने पड़ेंगे? ये अब काम हम ही करना है सर, अभी काम अपना ही करना है सर। ये इंडिकेटर का स्विच है, ये खोला जा रहा है, क्या इंडिकेटर चल क्यों नहीं रही, खोल के चेक करेंगे। संजू भाजी अपने मेरे भाइयों मेरे मित्रों, स्विच तो नया है भाई। और एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, ये देखिए शांति। अब शांति आपने बताना है कि इस पर क्यों लिखा है। और कुछ स्टिकर्स मुंबई से भी मंगवाए हैं, जो स्टिकर मुंबई से मंगवाया है वो भी आपको दिखाऊंगा, जैसी मेरे पास पहुंचेंगे वैसे ही। ये देखिए वो ग्रीन लाइट आ गई इसकी मीटर की, ठीक है, ये इसके इंडिकेटर की लाइट आ गई। बिल्ला जा रही, बिल्ले जा और टीटी करके आ, बिल्ला करे टीटी, बिल्ले टीटी करी। तो संजीव भाई ने बैटरी इसमें इंस्टॉल कर दी, मतलब 100cc से लेके 1000cc तक सभी बाइक्स होती हैं। ये जैसे बुलेट खड़ा है, और परसों यहाँ पे हार्ले भी खड़ा था, ये ओल्ड बुलेट है। ये कितने, कौन से मॉडल का बुलेट है ये संजीव भाई? 87। ये बुलेट की क्रैंक है इस बाइक की, इसकी क्रैंक है ये, और ये सीज हो चुकी है। ओके, तो उसकी वजह से इसको खोला गया, अभी इसको करेंगे। मतलब हर टाइप की बाइक यहाँ पे हो जाती है यार, क्योंकि मेरी भी सभी की सभी बाइक्स इधर ही आती हैं, और ये रेडी करना है अभी, ये आप देख सकते हैं ATV, ये खुद संजू भाजी ने बनाई है, एक दो बार चलाई भी है, उसके बाद खड़ी है, ये फिर से तैयार करेंगे और फिर आपको इसकी भी को वीडियो दिखाएंगे। तो उसका इंजन सीज है, इसका भी करना है, मतलब हर तरह की बाइक आती है इनके पास। तो मेरी भी चाहे KTM है, चाहे RX हो, तो अब चलते हैं। इनका नंबर और इनका कार्ड मैं वीडियो में दिखा दूंगा, कार्ड और नंबर नीचे मेंशन कर दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं मेरे मित्रों। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।